दैत्यराज सुमाली का एक ही सपना है कि उनके कुल में एक ऐसा महान शक्तिशाली गंधर्व बालक जन्म ले जो कि राक्षस कुल का नाम पूरे ब्रह्मांड में रोशन करे। छोटा सुर, कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये दैत्यराज सुमाली ही होंगे और मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त जरूर नाच रहे होंगे और मुझे पक्का पता है कि वो तब तब नाचते हैं जब उन्हें आकर कोई शुभ समाचार देता है। बड़ा सुर, दैत्यराज ने ऋषि विशर्वा और उनकी पुत्री कैकसी का मिलन ये सोचकर करवाया ताकि मुनिवर की ब्राह्मण शक्ति और कैकसी के राक्षसी बल से एक ऐसे बलशाली पुत्र का जन्म हो जो कि राक्षस कुल को आगे बढ़ाए। और आज वो दिन आ गया है। आपकी कृपा हो तो बस। आपको चोट तो नहीं लगी जमाई राजा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, दैत्य वंश का राजकुमार और इसका नामकरण हम करेंगे जमाई राजा जी। इन सब पत्रों में से एक पत्र उठाइए। इसमें क्या है? मैंने चारों लोक की यात्रा करके सबसे उत्तम नाम जमा किए हैं अपने नाती के लिए। मेरे जमा किए गए नामों में से एक नाम की पर्ची आप निकालें और हम अपने नाती का नाम वही रखेंगे। दशानन। दशानन, ये कैसा अद्भुत नाम है? दशानन का मतलब है दस माथा। दशग्रीवा, दशग्रीवा, अब इसका क्या मतलब हुआ? दशग्रीवा का मतलब होता है दस कंठ। पिताश्री, आप प्रेम से जो नाम दे वही मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा नाम होगा। नाम चाहे दशानन हो या दशग्रीवा, मेरा बेटा इतना बुद्धिमान और बलशाली बनेगा कि आपके राक्षस कुल का नाम रोशन करेगा। आप सब धैर्य रखें। ये कोई असुरी होगा जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है। ये कैसा संकेत है? एक विचलित शिशु की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रही है। प्रभु, कोई पूरे ब्रह्मांड में उधम मचा रहा है और आप ध्यान में मग्न हैं। देवी, एक नवजात शिशु के रोने से तुम इतनी विचलित हो गई हो? प्रभु, ये आपकी कोई लीला तो नहीं है ना? नहीं, जिसकी आप ध्वनि सुन रही हैं वो एक दैत्य है, परंतु बहुत ही प्रगतिशील बालक बनेगा, तो आप निश्चिंत रहिए देवी। रावण, 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 रावण। पुत्री, क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? क्या पिताश्री, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। परंतु मुझे ऐसा लगा कि किसी ने रावण कहा। इसका नाम हम रावण रखेंगे। रावण, जिसके रोने से पूरा विश्व हिल गया, उसका नाम रावण होगा। रावण के जन्म के बाद कैकसी ने कुंभकर्ण, मीनाक्षी और विभीषण को जन्म दिया और उसके बाद तो जैसे उधम ही मच गया। चारों बहन भाई उत्पात मचाएं, 24 घंटे 8 पहर तिकड़ में भिड़ाएं, लुक छिपते आए बर्तन के नीचे, माँ बाबा नाना सब देखे हैरानी।
दैत्यराज क्षमा करें, पर समझ में नहीं आया कि आज आप इतने खुश क्यों हैं? आज मेरे रावण की पाठशाला का पहला दिन है। मुझे क्षमा करें दैत्यराज, पर आपने ही कहा था कि रावण ही हम दैत्यों का राजा बनेगा। तो फिर वो सचमुच पाठशाला गया तो वो वहां सिर्फ अच्छाई सीखेगा, और फिर वो हमारा राजा कैसे बनेगा? वो पाठशाला इसलिए जाएगा ताकि वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वकार्य सिद्ध और बुद्धिमान बने, तभी तो वो हम राक्षसों का गौरव बढ़ाएगा। आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ, क्योंकि मैंने इस राज्य पे विजय पाई है, और आज से तुम सब मेरे बंदी हो। मेरी तरह बनने की कोशिश करते ही क्यों हो तुम? मैं कुबेर हूँ, कुबेर। और तुम? कुबेर रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और मीनाक्षी का सौतेला भाई था, और वो उनसे घृणा करता था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मीनाक्षी, आज तुम्हारे गुरुकुल जाने का प्रथम दिन है, और तुम लोग इधर समय बर्बाद कर रहे हो, उधर तुम्हारे नानू कितने खुश हुए जा रहे हैं कि राक्षस वंशज में पहली बार कोई पाठशाला जा रहा है, और तुम लोग इधर हो। चलो जल्दी चलो, चलो तैयार हो जाओ। माँ, अगर मैं पाठशाला जाऊंगी तो फिर आपके काम में कैसे हाथ बटाऊंगी? तुम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल जाओगी, ये मैं ही नहीं तुम्हारे नाना भी चाहते हैं। गुरुकुल से लौटकर मेरी मदद करना, समझ गई ना मीनाक्षी? कुंभकर्ण कहाँ है? मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ ही था। कुंभकर्ण तो सो गया होगा, और माँ को पता चल गया तो वो उसे डांटेंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुंभकर्ण तो प्रातः काल ही गुरुकुल चला गया। माँ, आज पहला दिन है ना, इसीलिए। और अंदर तो वो है ही नहीं। आपको कोई भ्रम हुआ है माँ? हो सकता है। चलो अच्छी बात है, अब तुम लोग भी चले जाओ। और हाँ, याद रहे गुरुजी के कहे पे चलना। पर माँ, भैया तो भैया। हाँ विभीषण, कुंभकर्ण तो गुरुकुल में हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसीलिए हमें जल्दी चलना होगा। चलो विभीषण, जल्दी चलो। मुझे लगा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, पर एक झूठ जो किसी की रक्षा करे वो 100 सच से भी अच्छा होता है। चलो, हमें कुंभकर्ण को उठाना होगा माँ के पकड़ने से पहले। करण उठो, माँ ने पकड़ लिया तो खूब मार पड़ेगी। हाँ, ये तो माँ की आने की आवाज लग रही है। अब क्या करें? चलो जल्दी आओ मेरे साथ। Ah!
अगर हम सच बोल देते तो माँ हमारे कानों को तो नहीं मरोड़ती। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, अब तुम सब चुप करो। कुंभकर्ण, विभीषण और मीनाक्षी, आज तुम्हारे गुरुकुल का प्रथम दिवस था और तुम लोग अब आ रहे हो। वो क्या है ना गुरुजी, हमारी बहन आज गौशाला में गिर गई और उसे बहुत चोट आई। पर मीनाक्षी तो... मीनाक्षी नहीं गुरुजी, हमारी बड़ी बहन। ऐसी बात है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। आज पाठ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ और अपनी ज्येष्ठ बहन के साथ रहो। अरे ऐसा तो होता ही रहता है, भगवान का नाम जाप करो और तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी भी कोई बड़ी बहन है। मुझे अब तक लगता था कि मीनाक्षी ही मेरी एकमात्र बहन है। भैया मुझे सच में समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, मेरा मतलब, गुरुजी ने पिताश्री को गुरुकुल में बुलाया है, इसका मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब हमें दंड मिलेगा। और पिताश्री के क्रोध के बारे में तो हमें पता ही है। विभीषण अब तुम रोना बंद भी करो। अब पिताश्री हम सबको डांटेंगे और मुझे तो कई दिनों तक भोजन भी नहीं देंगे। हम बच सकते हैं अगर पिताश्री गुरुकुल जाए ही ना। अगर पिताश्री नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? गुरुदेव, मैं ऋषि विशर्व, आपने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ऋषिवर, मैं आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं विनती करता हूँ कि आप कुछ आवश्यक कदम उठाएं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। ऋषिवर, मुझे आपसे जो वार्तालाप करनी थी वो हो गई है। हाँ, मैं भी अभी यहाँ से चलूंगा। कुंभकर्ण को उठाओ भाई, हमें यहाँ से जाना है। भैया तो हिल ही नहीं रहे हैं। इन मिठाइयों को इस राक्षस स्थल के सभी राक्षसों में बांट दो। आज मेरे राजकुमार ने अपने गुरु को भ्रमित कर दिया। इस उम्र में ऐसी बुद्धि, वो एक दिन बहुत बड़ा असुर बन के दिखाएगा। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बड़ासुर, मैं भी अपने कुंवर के बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे पता है वो ऋषि उनको बहुत ज्यादा दंड देगा और मेरा मन तो ये सोच कर ही परेशान हो रहा है। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, मीनाक्षी, आपकी कृपा हो तो बस। आपको चोट तो नहीं लगी जमाई राजा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा नाती गुरुकुल जा रहा है। क्या आपको विश्वास हो रहा है? ये इन बच्चों के गुरुजी हैं। गुरुकुल में बच्चों के पहले दिन के बारे में बातचीत करने आए हैं। प्रणाम गुरुजी। क्या आपको ज्ञात है आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आप मेरे नाती के गुरु हैं। अरे ये तो हर कला में निपुण है, और क्यों ना हो, कल को ये राक्षस कुल के महाराजा बनेंगे। और तो और, आपको ये भी पता नहीं होगा कि इनके गले में देवी सरस्वती का वास है, और ये ज्ञान इन्हें मुझसे मिला है। और एकमात्र आपके लिए हम अपनी मधुर वाणी में कुछ गुनगुना के सुनाएंगे। आप हंस क्यों रहे हैं भैया? तुम राक्षस के वंशज के हो ना, शायद इसलिए इतना बुरा गाते हो। और तुम मुझे कैसे भैया बुला सकते हो? हाँ, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं कुबेर हूँ। कुबेर, मेरे बाल देख लो, मेरा रंग देख लो, और अपना देखो। कुछ सालों में तो तुम्हारे बाल उन जंगली राक्षसों की तरह दिखने लगेंगे। इसलिए राक्षस हो, राक्षस बन के रहना सीखो। हम देवों के वंशज हैं। हमारी तरह ना तुम कभी हो सकते हो और ना कभी होगे। कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पिताश्री को पता चलेगा तो वो हमें फिर से डांट देंगे। तुम मुझे डराओ मत विभीषण। एक तो मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि कुंभकर्ण ये कार्य करते करते सो न गया हो। भैया ये देखो, काम संपन्न हुआ है। भाई तुम्हें ये कार्य करते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, ये काम करते मुझे किसी ने नहीं देखा। क्या कुबेर भैया के जूते पहनकर हम भी उनकी तरह उड़ पाएंगे? अब हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो कि वो करता है। अब उसके ये चमत्कारी जूते मेरे पास है और मैं उनको पाठ सिखाऊंगा। भैया पहले मैं पहने उन्हें? हाँ। इन जूतों में कुछ तो जादू है, इसलिए इन कुबेर भैया के जूतों ने मुझे तो गिरा ही दिया। मुझे भी इन्हें पहनकर देखना है कि इनमें कितना जादू है। कुंभकर्ण सच कह रहे हैं, कुबेर भैया ने निश्चित रूप से इनमें कुछ मंत्र पढ़ के रखे होंगे। हम इसे लौटा देते हैं, इसी में हमारी भलाई है। सबको उचित दंड देना ही पड़ेगा। पिताश्री आप ठीक तो है ना?
उन्हें भारी दंड मिला क्या? विशर्वा की एक पुरानी कोठरी है वन में, उन्हें वहां रखा जाएगा, वो भी 2 दिन बिना जल और भोजन के। हम ऋषिवर को रोक तो नहीं सकते उन्हें दंड देने से, परंतु हम उन्हें इस परीक्षा में अकेले भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों जाओ और हमेशा उनके साथ रहो, उनकी रक्षा करो। जी दैत्यराज, आप निश्चिंत रहिए, हम हमारे कुंवर की रक्षा करेंगे और आपको हमेशा सूचित करते रहेंगे। हम इस कोठरी में 2 दिन तक कैसे रहेंगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी अच्छा है कि उन्होंने हमें इससे बड़ा दंड नहीं दिया, यही हमारे लिए अच्छी बात है। हमें इस कोठरी में 2 दिन बिताने हैं बिना भोजन या जल के, हम बाहर जा नहीं सकते क्योंकि हमें बाहर से बंद कर दिया गया है। हम बुरे फंसे, 2 दिन तक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हल निश्चय ही निकालूंगा। अगर हम इस कोठरी से निकल सके तो चुपके से माँ के पास चले जाएंगे और वो हमें छुपा कर भोजन देगी और सोने की जगह भी। भैया भैया, मुझे नहीं लगता कि हम इस कोठरी से जीवित निकल पाएंगे और माँ के पास जा पाएंगे। भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कुछ। हाँ? नानू ने कहा था कि जब खूब डर लगता है तो ये कहने से डर भाग जाता है। जल 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 तू आई वाला को डाल तू, जल तू जल जल तू आई वाला को डाल तू, जल तू जल जल तू आई वाला को डाल तू, जल तू जल जल तू आई वाला को डाल तू, जल तू जल जल तू। देखा? जिस चीज से हम डर रहे हैं वो एक पेड़ की टहनी है जिसके खटखटाने से हम डर रहे हैं। ओ, वो तो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कौन वो होगा जो इतनी ऊंची खिड़की से खटखटाएगा। तुम लोग ये नहीं देख रहे हो कि इस कोठरी में एक निकलने का रास्ता है। पर वो कैसे भैया? वहाँ ऊपर देखो, वो खिड़की। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ये खिड़की तो बहुत ही ऊंची है। कभी भी बिना कष्ट किए कोई लाभ नहीं मिलता। अगर हमें इस कोठरी से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी ऐसा किया हुआ है ना? इस बार मैं सबसे नीचे नहीं रहूंगा। भैया, मैं खिड़की तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। कुंभकर्ण, अगर तुम खड़े नहीं होगे तो फिर हम तुम्हें यहीं छोड़ चले जाएंगे, फिर रहना ऐसी कोठरी में। हमें अभी जल्दी से घर जाना चाहिए। हाँ? घर? पागल हो गई हो क्या तुम? हमें घर नहीं, आगे जंगल की तरफ जाना चाहिए। नहीं, कुंभकर्ण सही कह रहा है, हम अभी भी घर नहीं जाएंगे। भैया, मैं तो मस्ती कर रहा था, हम सबको घर ही चलना चाहिए। तुम सबको घर जाना है तो जाओ,
लेकिन मैं तो वहां जाऊंगा। भैया आप मस्ती कर रहे हो ना? भैया वो तो एक बड़े से दैत्य जैसा दिख रहा है। दैत्य से हम कैसे डर सकते हैं? हमारे नानू तो खुद दैत्य राज हैं, और क्या पता वो नानू का ही बनाया हुआ हो। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो हम घर पर मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं भैया को अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। ये तो हमारे कुमार रावण और उनके साथ कुंभकर्ण, विभीषण और मीनाक्षी भी हैं। भैया ये गुफा यहाँ वन के बीचों बीच? डरो मत, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। राक्षस कुल के होकर इतना डरेंगे तो नानू को बहुत ठेस पहुंचेगी, इसीलिए डरो मत। इस गुफा का यहाँ होना और यहाँ पे किसी का ना होना आश्चर्यजनक है, और मैं ये जान कर ही रहूंगा। पुस्तक में पढ़ा है कि रात को जंगली जानवरों की आंखें चमकती हैं। कहीं ये नहीं, नहीं नहीं, कुछ तो करना ही होगा। भैया हमें यहाँ से चलना चाहिए। विभीषण, मीनाक्षी और कुंभकर्ण ये देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। भागो भैया भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से जल्दी भागो, एक जंगली जानवर हमारे पीछे है, भागो जल्दी भैया। वारे अनुज मेरे, मैंने जो सोचा वो मेरे साथ खेला जा रहा है। मैं नहीं डरने वाला तुम्हारे। जिन्हें हम ढूंढने आए हैं। क्षमा करना भैया, परंतु मुझे बहुत प्यास लगी थी। इस गुफा के बाहर एक नदी है, अब वहाँ जल पी लेना। बाहर नदी है? आखिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तुम तो यहाँ कभी आए भी नहीं। नहीं पता भैया, मुझे बस लगा कि ये अचानक मुझे क्या हो रहा है,
मैंने तो बस ये सोचा कि अगर मेरे चमगादड़ की तरह पर होते तो मैं यहाँ से उड़कर निकल जाती और वो जंतु मुझे कुछ नहीं कर पाता। मैंने कहा था इस गुफा में कुछ तो जरूर है। इस गुफा में नहीं परंतु इस मटके में निश्चित रूप से कुछ तो था जिसे पीता ही कुछ तो हो रहा है। इन दोनों के साथ ये सब हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यहाँ से चलते हैं भैया, ये मायावी गुफा है। राक्षस राज रावण तुझे आदेश देता हूँ कि तू मेरे भाई को छोड़ दे। मीनाक्षी, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने उस मटके का जल पिया है और तुरंत से ही उनके पास कुछ असाधारण शक्तियाँ आ गई हैं और इसका मतलब ये है कि कुंभकर्ण को भी वो जंतु हमसे डर कैसे गया। पिताश्री हमेशा कहते हैं कि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो डर गया उसे हराना कठिन नहीं और वो जंतु किसी बात से डर गया होगा। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोगों ने जो जल पिया उसी का परिणाम है कि तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। आप लोगों ने आप दैत्यों ने देखा ना भैया के 10 सर। परंतु आप कौन हैं? हमें दैत्यराज सुमाली ने भेजा है ताकि हम लोग आपकी सुरक्षा कर सकें। अगर मैं दर्पण हो पाती तो आप भली भांति इस बात को क्या हो गया भैया, आप ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है हमारे साथ आपको भी शक्ति की प्राप्ति हुई है और ये माला जो आप पहन रखे हो चांद की किरणों से आपके 10 सर का प्रतिबिंब बनाता है। और इस प्रकार रावण, कुंभकर्ण, मीनाक्षी और विभीषण ने अपनी शक्तियों की प्राप्ति की और इस सूचना को सुनकर दैत्यराज सबसे अधिक प्रसन्न थे। दशानन, दस माथा, अब मुझे समझ में आया उसके नाम का असली मतलब और अब समझ में आया कि जो होना होता है वो होकर रहता है। दैत्यराज, इसका मतलब तो ये भी है कि आपने जो भविष्यवाणी की थी उसके सम्राट होने की वो भी सच होगा क्या? और आज दैत्यराज हमेशा की तरह इस समाचार की खुशी में नाच भी नहीं रहे हैं, वो तो आज बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर रह गए हैं। और अब हमें इस महल का पुनर्निर्माण भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाती राजा बनेगा, मेरा रावण दैत्यों का राजा बनेगा। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। देखा आपने मेरे पुत्र और पुत्री को? पुत्र तो वो मेरा भी है। अब तो मैं कुंभकर्ण भैया की शक्तियों से अपना सारा काम कर लूंगी। क्यों? आखिर तुम अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करोगी? भूल गए, शक्तियाँ सिर्फ आपको मिली है।
हाँ वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ, जब आप सो जाओ तब मैं आपको छुपा दूँ स्वयं एक वस्तु बनकर ऐसे। माता पता है जब हम चारों कोठरी में थे तब हमें लगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत है, क्योंकि जब हम सब मीनाक्षी चलो जल्दी से पाठशाला के लिए तैयार हो जाओ, ये सारी बातें पाठशाला से आकर करना। पिताश्री आप चिंता मत कीजिए, हम मीनाक्षी को भी यही हमारे साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमें गुरुकुल में पाँव नहीं रखने देंगे। रावण गुरुजी से मैं स्वयं बात करूँगा, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तुम सचमुच बदल गए हो। जादुई शक्ति पाकर चारों इतराए, केवल इशारे से फूल खिलाए, सबको दुख देकर ये मुस्कुराए, बिना छुए पेड़ से फल गिराए, पढ़ना लिखना छोड़ के जी भर करे सदा मन मानी, गुरुकुल में गुरुदेव को हर दिन याद दिलाए नानी। ये है रावण, कभी गुरु के अंग वस्त्र को विषधर नाग बनाए, सिट्टी पिट्टी गुम कर दे ये ऐसे टांग अड़ाए। ये है रावण, ये है रावण, विश्ववास गुरु ने कर दी ये शिकायत, तंग हुए सब इनसे ये बच्चे हैं आफत, कोई लाख समझाए लेकिन इन्हें समझ ना आए, शरारते ना छोड़े उल्टे गुरु को पाठ पढ़ाए। ये है रावण, कभी केकड़ा भेज के अपने गुरु को ये कटवाता है, हलवा लेके फल गायब कर खाता मौज उड़ाता। रावण कुंभकर्ण इधर आओ। अरे ये तो वही लोग हैं जिनको भाई ने प्रातः तुम लोगों को देखकर मेरा हृदय गर्व से फूले नहीं समा रहा था, मुझे भी लगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुबेर से बढ़कर बनेगा, पर मेरा बेटा तो कुबेर से बढ़कर क्या कुबेर जैसा भी नहीं बन पाएगा। और उधर तुम्हारे नाना तुमसे आस लगाए बैठे हैं कि तुम राक्षस कुल का नाम ऊंचा करोगे, पर संभवतः तुम दैत्यों के नाम को भी डुबो दोगे। भैया आप कुबेर को कैसे ललकारोगे, वो कितना बड़ा है और फिर उसके पास तो बहुत सारी शक्तियां भी तो हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मैं उसे युद्ध में नहीं हराऊंगा तब तक माँ मेरी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करेंगी। युद्ध युद्ध अभी तो ललकाने की बात चल रही थी, अभी युद्ध भाई तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कभी नहीं सुधरेगा, और उसे भी तो पता चले कि हमारा भ्राता रावण किसी से कम नहीं, और भ्राता विभीषण ये भी तो एक पुण्य का काम है ना, किसी घमंडित व्यक्ति को पाठ पढ़ाना। क्या कहते हो भ्राता कुंभकर्ण? अब जब हम इस नतीजे पे पहुँच ही गए हैं तो चलो आज ही आक्रमण करते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि चलो मेरे साथ, हम अभी उसे युद्ध के लिए ललकारने जाते हैं, और ये याद रखना कि हमारे पास विशेष शक्तियाँ भी हैं। भाई कुबेर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
आश्चर्य है, मुझे रावण के बोल सुनाई दे रहे हैं पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं उसने अदृश्य होने का ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया है ताकि मुझे हरा सके। क्या बात है विभीषण? माँ, उधर भैया रावण कुबेर भैया को। रावण कुबेर को क्या? उनको सपने में देखकर डर गया। उन्होंने देखा कि कुबेर भ्राता के ये बड़े बड़े मूंछे और ये बड़े बड़े दांत आ गए और इसलिए विभीषण भैया भी डर गए हैं। और हमने कहा भी था इन्हें कि हम सब है ना, तो भय किस बात का, परंतु विभीषण भैया भी ना। क्या मीनाक्षी जो कह रही है वो सच है? हाँ माँ, ये जो भी बोल रही है वो सच है। मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम विश्रवा पुत्र विभीषण हो, इसीलिए कभी किसी से मत डरना। आप निश्चिंत रहिए माँ, हम है ना। आप मुझे देखने की कोशिश करने में समय नष्ट मत कीजिए। मैं तो आपको बस यही बोलने आया हूँ कि मैं आपके लिए प्रातःकाल प्रतीक्षा करूँगा और उधर हम लोग ये तय करेंगे कि कौन किससे कद में नहीं पर कार्य में सर्वश्रेष्ठ है। और हाँ, आपको हम तीनों के साथ लड़ाई करनी होगी। चला चूहा हाथी को ललकारने। मुझे ये बात तो समझ में आती है कि झूठ बोलने पर मेरा मन बहुत व्याकुल होता है, परंतु कोई बात छुपाने से भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या करूं? माँ को तो मीनाक्षी ने बोलने नहीं दिया, पिताश्री को मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं? मैंने कुबेर भैया को चेतावनी दे दी है, कल प्रातः काल में हम मिलेंगे और फिर ये साबित हो जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो फिर चलो जल्दी सो जाते हैं, कल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये गलत है, वो अकेला है और तुम तीन हो और उससे लड़ाई कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, चलो शीघ्र उठ जाओ। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बात है, नहीं तो तुम सब सुबह सुबह उठ गए और अपना काम भी कर लिया, यहाँ तक कुंभकर्ण ने अच्छी तरह से दातुन भी किया। माँ, हम जब ये सब नहीं करते तो आप क्रोधित होती हैं और जब कर रहे हैं तो व्यर्थ चिंतित हो रही हैं। हम करें तो क्या करें माँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तो पिताश्री भी प्रसन्न हो जाएंगे ये बात जान के। चलो जल्दी से कुछ खा लो। विभीषण,
तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? विभीषण, भोजन को ना खाना भोजन का निरादर करना होता है, पर... और भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। अरे भैया, तुम भूल गए हो, प्रातः नदी में स्नान करते समय विभीषण पेड़ से फल तोड़कर खाए जा रहा था, इसीलिए शायद उसे भूख नहीं लगी है। कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं, और वैसे भी भोजन हमें शक्ति देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। विजयी भव। परंतु मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि विजयी भव। दैत्य नरेश, आपने हमें याद किया? प्रातः काल से मेरी बाई आंख फड़क रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी बात का संकेत है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस बात का संकेत है ये। महाराज, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। बाई आंख का फड़कना तो शुभ समाचार का संकेत होता है। भैया, मुझे लग रहा है कि कुबेर भैया तुमसे जरूर डर गए होंगे, इसलिए वो युद्ध के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता, वो देखो। मुझे लगा प्रातः काल तक तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें यहाँ आने से रोकेगी, परंतु मैं गलत था। और भैया, अब माला पहन लेना, शायद सूर्य की किरणों का भी कुछ असर पड़े। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुनिवर, आप विश्वास नहीं करेंगे जब आप मेरे बालकों को देखेंगे। आज तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई थी। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो आ जाए कुबेर भाई को रोकने के लिए, नहीं तो रावण भैया के बाद मेरी बारी होगी। मेरी ही भूल थी जो मैं तुम सबके झांसे में आ गई। मुझे ये बात स्मरण रहनी चाहिए थी कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। और किसे अपनी प्रधानता दिखाने गए थे? कुबेर को? वो तो 7 गुना बुद्धिमान और बलवान है, और उससे हार के तुम लोगों ने मुझे तुम्हारे पिताश्री के सामने लज्जित कर दिया है। भ्राता, आपने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया कुबेर भाई के साथ? मैं क्या करता, उसने मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया कि मैं वो माला पहन पाऊं। देखा नहीं कैसे टूट पड़ा वो हम पर। मैंने कहा था ये सब मत करो, परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब इस अध्याय से कुछ सीख लेते हैं, और कभी ऐसा कोई प्रयत्न न करे ऐसा वचन लेते हैं। कदापि नहीं, मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं। देखा ना, माँ ने क्या कहा, कितनी दुखी थी वो क्योंकि हम असफल हुए। अगर सफल होते तो वो कितनी आनंदित होती। मैं कुबेर भ्राता से लड़ूंगा और हरा के ही मानूंगा, और मुझे विश्वास है कि उसे हराने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। परंतु वो रास्ता कौन सा है, ये हमें कौन बताएगा? चलो मेरे साथ। हाँ हाँ। जो हमें वो रास्ता दिखाएगा। हर एक पुस्तक ने यही लिखा है कि अगर किसी को शक्ति प्राप्त करनी है तो विश्वपिता ब्रह्मदेव का ध्यान करना पड़ेगा, वो भी कई वर्षों तक कठोर ध्यान करना पड़ता है, तो ही वो प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं। मैं करूंगा ब्रह्मदेव की प्रतिज्ञा,
और उनसे वरदान लेकर ही रहूंगा। तुम अपने कार्य में सफल हो। इतना कठोर ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्या किसी? इस पृथ्वी में कोई भी वस्तु का मोल तभी हो सकता है जब उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ चेष्टा किया जाए, और हमारे पुत्रों के लिए ये योग अनिवार्य है। तभी वे जीवन के मूल्यों को समझेंगे और जीवन में और धैर्यशील बनेंगे। शीघ्र लौट कर आना। निकले घर से तीनों भाई जल्दी बन की ओर, लगे तपस्या करने पेड़ के नीचे महाकठोर। ज्ञान में कुछ भी पता चले ना, साझ हुई या भूल। ओ प्रचंड गर्मी तो कभी पानी बरसे, कभी छाए बादल और कभी बिजली चमके। रात और दिन लगे बीतने फैली मन में आग, तब नहीं टूटा सारा जंगल हो गया जल के राग। कभी गड़गड़ा हट से अंबर थर्राए, कभी घिरी घनघोर काली काली घटा, मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे याद कर रहा है, या मेरे कान में सच में कोई दोष है? लगता है मुझे स्वयं जाकर इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, तपस्या सफल हुई और हमें पता चल गया है कि हमारे कान ठीक हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मांगो। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दो। काल के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता पुत्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है, और मनुष्य रूप में स्वयं भगवान भी अमर नहीं है, इसलिए कुछ और वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, पर यह वरदान दीजिए कि कोई देव या दैत्य, पशु या पिशाच मेरी मृत्यु का कारण ना बने। तथा विभीषण, अब तुम्हारी बारी, मांगो जो मांगना है। हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए, अगर मेरे जीवन पर भी बनाए तो भी मैं सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ूं। तथास्तु। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान भी देता हूँ। ये तो वही है जिसके बारे में मुझे देवों ने चेतावनी दी कि इसे तो वरदान देना भयानक हो सकता है। क्या बात है कुंभकर्ण, तुम्हें देख के ये लग रहा है कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है। कई वर्षों से सोए भी नहीं हो ना? हाँ ब्रह्मदेव, यहाँ से जाकर मैं खूब सोऊंगा।
तथास्तु। ब्रह्मदेव, ये छल है, आपने मुझे वरदान देने में छल किया है। ब्रह्मदेव। परंतु कुंभकर्ण, तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें वही मिली, इसलिए दुखी मत हो। मैं हमेशा से कहता था तुम दैत्य वंश के राजा बनोगे, और अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम तीनों लोकों में जीत प्राप्त करोगे, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने अपनी बुद्धि से काम लिया है। कुंभकर्ण को असीम निद्रा का वर मिला है, और विभीषण को हमेशा सत्य का साथ देने का। एकमात्र तुम ही हो जो मेरे कुल के गौरव को आगे बढ़ाओगे, और इस शुभ समय पर मैं तुम्हें एक अति शुभ समाचार देता हूँ। तुम्हारी अनुपस्थिति में कुबेर ने अपने लिए लंका का निर्माण किया है। लंका? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र दशानन। हाँ? पिताश्री, आप ही कहा करते थे कि तपस्या का फल मीठा होता है। आज मैं कह सकता हूं कि मैं हर क्षेत्र में निपुण हूं, और हर व्यक्ति से भी। हम सारे भाई बचपन से कुबेर को देखते थे, उसके जैसा बनना चाहते थे। छोटे भाई, तुम क्या, हर एक व्यक्ति, मानव हो या दानव, मुझ जैसा बनने की अपेक्षा रखता है। परंतु अपेक्षा में और बनने में बहुत अंतर होता है। मैं तो ये समय पे छोड़ना चाहता था ताकि वही तय करे कि कौन श्रेष्ठ है, परंतु अब ये विदित हो रहा है कि आपको ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि श्रेष्ठों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम, अर्थात मैं, विभीषण और कुंभकर्ण आपको निमंत्रित करते हैं, जिसके अनुसार हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारी तपस्या सफल हुई या नहीं। तुम मुझे ललकार रहे हो, मुझे, कुबेर को? वैसे सही है, सबको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि कौन कहाँ है। परंतु एक शर्त है, आप हम भाइयों से उसी क्षेत्र में प्रतियोग करोगे जिस क्षेत्र में हम निपुण हैं। कुंभकर्ण के साथ निंद्रा में, विभीषण के साथ उसकी सद्भावना में, और फिर मुझसे हर एक क्षेत्र में, जो आप कहें। कितने दिन हो गए हैं? 2 दिन ही हुए हैं आपको, और आप जाग गए हो, परंतु कुंभकर्ण अब तक घोर निद्रा में है। मैं तुम्हें ललकारता हूँ दशानन, एक योद्धा की तरह, अस्त्रों शस्त्रों के साथ। अब समय आ गया है ये जानने का कि कौन सर्वोत्तम है। अब देखते हैं तुम तेज भागते हो या फिर मेरा तीर। हाँ।
बड़े भाई, अभी तो आपको मुझसे प्रतियोग करना बाकी है। मैं दशानन हूं और मेरे बल के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और ब्रह्मदेव का वरदान है, मैं राजा बनूंगा। माँ और नानू मुझसे कभी निराशित नहीं होंगे। मैं व्यर्थ ही परेशान हुए जा रहा था, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मैं अपराजित हूँ, अजीत हूँ। चलो चलो, शीघ्र चलो, मुझे मेरे राजकुमार से मिलना है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे राजकुमार दैत्यराज बनेंगे या फिर भगवान के भक्त। कहाँ रह गए तुम दोनों, शीघ्र आओ। मुझे पुलकित कर दिया है और अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से किया गया वचन पूरा करो और तुम्हें भी साथ देना है अपने भाई का। कौन है वो जिसने मेरे महल में आने का प्रयत्न किया? अरे छोटे भाई, आओ आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ आसन ग्रहण करो। छोटे भाई नहीं, लंका नरेश रावण कहो। मुझे ज्ञात है तुम मेरे भाई हो और विभीषण और कुंभकर्ण भी मेरे अपने हैं, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी संपत्ति तुम सब में बांट दूंगा। हाँ तो फिर दो अपनी लंका अपने इस छोटे भाई को, नहीं तो वो बलपूर्वक इसे हासिल करेगा। हमारा अधिपति रावण की जय होगा। अधिपति रावण की जय। महाराज रावण की जय। Hey!
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।